अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको यूनिक स्टाइल चने बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनते हैं, बहुत ही लजीज बनते हैं, आप देख सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको यूनिक स्टाइल चने बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनते हैं, बहुत ही लजीज बनते हैं। उसके लिए मैंने एक पतीले में ऑयल दे दिया और उसमें मैंने एक कदर बड़े साइज़ की प्याज डाल दी। इसका कलर चेंज होने तक इसको पकाते हैं। प्याज का कलर तकरीबन चेंज हो चुका है। अब हम इसमें तकरीबन 2 से 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और खुशबू आने तक इसको पकाते हैं। और इसमें मैं जो है इन चनों में मैं वो चटनी यूज़ करूँगी, जो कि मैंने आपको पहले बनाना सिखा दी है। अदरक लहसुन की खुशबू आना शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब मैं वो चटनी जो है यूज़ करूँगी, 3 से 4 चम्मच मैंने वो चटनी ले दी, ठीक है। वो डाल देंगे और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर देंगे। अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम इसमें बाकी के मसाले डाल देंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, हसबे जायका नमक, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, ये डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे ताकि हमारे जो हैं मसाले ना जलें, और बहुत अच्छी तरह से इसको इन मसालों के साथ भून लेंगे। जितनी अच्छी आप लोग भुनाई करेंगे उतने ही अच्छा टेस्ट आएगा। 3 अदद मैं इसमें हरी मिर्ची डाल दूंगी। मसाला जो है आप देख सकते हैं हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है और ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो चुका है, आप देख रहे होंगे। अब हम इसमें डाल देंगे चने। मैंने इसमें चने डाल दिए और चनों को इसके साथ भून लेंगे। चने हमारे आप देख रहे होंगे कि भुनने के करीब हैं, चने हमारे भून चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। हसबे ज़रूरत आप लोगों ने पानी डालना है। अगर आप लोगों ने शोरबा करना हो तो आप लोग इससे थोड़ा ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। मैंने 1 गिलास के करीब पानी डाला है, क्योंकि आज मैंने इसमें शोरबा नहीं करना। तो पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से जो पानी डाला था वो खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें लास्ट में डाल देंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और हमारे यूनिक स्टाइल चने बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।